यूक्रेन में फंसे उज्जैन के 11 स्टूडेंट के परिजनों ने सरकार से सुरक्षा की मांग होती है, वही बच्चों को जल्द से जल्द लिफ्ट करने के लिए गुहार लगाई है। परिजनों ने उज्जैन आए सीएम से मिलने की भी कोशिश की, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के चलते सीएम से नहीं मिलने दिया। परिजन इसलिए परेशान है कि बच्चों के अकाउंट फ्रीज हो गए हैं, वह भूखे प्यासे देश लौटने के लिए भटक रहे हैं। यूक्रेन से भारत आने वाली फ्लाइट का किराया भी 5 गुना तक बढ़ गया है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बाद पूरे प्रदेश में परिजन बच्चों की देश वापसी के लिए सरकार गुहार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उज्जैन के आकाश भार्गव, मानसी दुबे, भारती पटेल, मोहिनी सिंह, नयन जोशी, प्रभव परमार, शिवानी शर्मा, आशी शर्मा, ओपी जैन, विनीत मुसले और अनुष्का यादव सहित कुल 11 छात्र छात्राएं यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा जिले से करीब 15 अन्य और बच्चे भी यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई करने के लिए पहुंचे हैं। रूस और यूक्रेन के आक्रमण के बाद सभी छात्र छात्राएं फंस गए हैं। फोन पर घटना की जानकारी मिलने पर आप उज्जैन शहर के परिजन खौफजदा हैं। स्टूडेंट आकाश भार्गव में मेघा त्रिवेदी ने वीडियो जारी कर यूक्रेन में खौफनाक मंजर की जानकारी दी। सभी बता रहे हैं कि बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं, फ्लाइट भी 5 गुना तक महंगी हो गई है, पैसे नहीं होने के चलते उन्हें खाने के लाले पड़ रहे हैं। भारत सरकार उन्हें देश वापस लाने के जल्द से जल्द इंतजाम करे। परिजन ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन से VIP लोगों को देश लाया जा रहा है, लेकिन स्टूडेंट की देश वापसी के कोई इंतजाम नहीं है। युद्ध के हालात में बच्चों के फंसे होने के चलते परिवार चिंता में है, शासन को जल्द से जल्द इंतजाम करना चाहिए। उज्जैन के 15 से 20 बच्चे हैं प्रॉपर उज्जैन के, जो यूक्रेन में के टर्नोपिल यूनिवर्सिटी में हैं, है ना। वहाँ सेना करीब करीब 200 किलोमीटर पर बची हुई है, वहाँ पहुँचने में बच्चों को परेशानी आ रही है। सरकार से अनुरोध है हम सब पेरेंट्सों की तरफ से कि हमारे बच्चों को जल्द से जल्द वहाँ से सुरक्षित बुलवाया जाए और फ्लाइट की व्यवस्था की जाए। बच्चों को वहाँ खाने पीने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। कल 3 से 4 घंटे में बच्चे किराना लेके आए हैं, वो भी कुछ ही दिनों का किराना मिला है, और पानी और दूध की प्रॉब्लम भी आ रही है वहाँ पर। कल हम लोगों ने सब पेरेंट्स ने मिलकर ज्ञापन दिया था और माननीय सांसद जी से भी हम लोगों की चर्चा हुई थी, और उनने वहाँ दिल्ली में बात की, उनने ऐसा बताया कि बोले मैंने बात की है, बोले हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं, बोले बच्चों को जल्द से जल्द लाने के लिए भारत सरकार प्रयास कर रही है, ऐसा बताया। उज्जैन से 15 से 20 बच्चे हैं प्रॉपर उज्जैन से। मेन समस्या ये है वहाँ पे बच्चों की, कि बच्चों को चलो ठीक है इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि हम एयरलिफ्ट करेंगे बच्चों को, लेकिन आज वो जिस जगह से पे हैं वहाँ से जाने के लिए कोई साधन नहीं है उनके पास। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर मान लो कल से कोई गवर्नमेंट की तरफ से एयरलिफ्ट का प्लान बनता भी है, तो जहाँ बच्चे हैं वहाँ से जो बॉर्डर का किराया जो दूरी है लगभग 200-300 किलोमीटर है, और वहाँ पे कोई कमर्शियल व्हीकल अभी है नहीं, और ना कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से इस तरीके की व्यवस्था है कि बच्चों को वहाँ तक बॉर्डर तक भी ले जाया जाए। तो हमारा सरकार से निवेदन यही है कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि बच्चे जहाँ जहाँ पे हैं वहाँ से उनको बॉर्डर तक के लिए भी व्यवस्था की जाए लाने की। मुकेश त्रिवेदी।